हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फॉरमेन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे मारुति 800 के फ्रंट व्हील ब्रेक क्लिपर सर्विस कैसे करते हैं। दोस्तों, ब्रेक क्लिपर में लुब्रिकेट खत्म हो जाने पर ब्रेक पैड ब्रेक लगाने के बाद वापस रिलीज नहीं होते और उसी वजह से व्हील में हीटिंग की समस्या आती है और हीटिंग की समस्या के कारण टायर में बार बार पंक्चर होते रहते। जैक लगाने से पहले हमें क्या करना है कि व्हील पाने से ये चारों चार स्टड जो है इसको लूज कर लेना है, क्योंकि बाद में आप इसको खोलने में व्हील घूमेगा तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए पहले इसको खोल लेना है। तो दोस्तों, व्हील हमने खोल लिया है और व्हील खोलने के बाद बिल्कुल गाड़ी के नीचे रख दिया ताकि हमारी सेफ्टी इसमें बनी रहे। अगर समझ लो कि आपका जैक यहाँ से फिसल गया तो यहाँ पे गाड़ी आपकी अटक जाएगी। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि दोस्तों इसमें आवाज आती है जो ब्रेक पैड है इसमें चिपके रहने की। इसी कारण हमें इसको सर्विस करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हमारा ब्रेक क्लिपर है और ये ऊपर में और एक नीचे की साइड में ये ब्रेक क्लिपर का पिन है और ब्रेक क्लिपर इस पिन के सहारे ही रहता है और पिन को यहाँ निकालने के लिए दो बोल्ट होते हैं। तो मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊंगा असेंबली। तो क्या होता है कि दोस्तों, जो ब्रेक क्लिपर का पिन होता है इसके अंदर लुब्रिकेट के स्वरूप में अंदर पूरा ग्रीस होता है और ग्रीस क्या होता है कि लंबे टाइम पर मिट्टी जैसा हो जाता है या तो पूरा सूख जाता है। इसी टाइम पर क्या होता है कि जैसे हम ब्रेक लगाते हैं और जैसे छोड़ते हैं तो उसके बाद जो हमारा क्लिपर रिलीज होना चाहिए वो रिलीज नहीं हो पाता है और जो हमारा ब्रेक पैड होता है वो इस पर चिपका रहता है। उसकी वजह से डिस्क में हीटिंग होता है और ये हीटिंग पूरा हमारी व्हील प्लेट के थ्रू टायर में पहुंचता है और इसकी वजह से टायर जो है नरम हो जाता है और पंचर बार बार गिरता रहता है। तो दोस्तों, ब्रेक क्लिपर को यहां से निकालने के लिए यहां पे एक 17 नंबर का बोल्ट है और बिल्कुल इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, क्लिपर को खोलने के लिए एक ये 17 नंबर वाला बोल्ट और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये 17 नंबर का ऊपर वाला बोल्ट खोल लेना है और इसके बाद ये जो हमारे क्लिपर का दोनों पिन का बोल्ट है, एक यहाँ पे है और एक बिल्कुल यहाँ पे नीचे में है। तो इन दोनों को लूज कर लेना है ताकि बाद में आपको लूज करने में तकलीफ ना हो, क्योंकि इसमें अभी फिटिंग है तो इस खुलने में थोड़ा इजी रहेगा। तो दोस्तों, ब्रेक क्लिपर को हमने बाहर निकाल लिया है और इसके बाद दोस्तों इस बोल्ट को हमने लूज तो कर ही लिया था। इसके बाद इसको छुड़ाने के लिए इसके अंदर नीचे 19 नंबर का ऐसा फिक्स वाला रिंच लगा के इसके ऊपर 12 नंबर की रिंच से इसको खोल लेना है ताकि हमारा क्लिपर का जो पिन है यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसको डीजल से वॉश कर लेना है अच्छी तरीके से, उसको बाद वापस जैसे है वहाँ वापस लगाने के बाद इसको फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग को हम आपको दिखाएंगे। तो इसके पहले ये जो हमारा ऑयल का पाइप है इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक सॉकेट होता है क्लिप, तो क्लिप यहाँ पे होता है तो इस क्लिप को प्लस की मदद से आपको छुड़वा लेना है। तो दोस्तों, ब्रेक क्लिपर की पिन में से जैसे आप इस बोल्ट को पूरा निकाल देंगे तो पूरा इसका जो क्लिप का जो पिन है वो पूरा अलग हो जाएगा, यानी कि जो इसका पार्ट से पूरा अलग हो जाएगा। इसके बाद इसके जो यहाँ पे ब्रेक पैड है इसको निकाल लेना है और इसमें लगाने में कोई ज्यादा कोई कारीगरी है नहीं, वो पूरा मैं दिखाऊंगा। इसके बाद इसका ये पिन है, इसके पिन को ही हमें इसमें डीजल से वॉश करके वापस लगाना है और इसके अंदर ग्रीस लगाने के लिए अगर आपके पास टेम्परेचर ग्रीस है तो सबसे बढ़िया है। अगर टेम्परेचर नहीं है तो मल्टीपर्पज भी चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें साथ में थोड़ा सा ऑयल भी लगा देना जरूरी और आप इसका हालत देख सकते हैं, पूरा मिट्टी जैसा हो गया है, कुछ बचा हुआ नहीं है क्योंकि पूरा लुब्रिकेट खत्म हो गया है। तो इसको हम वॉश करेंगे और लुब्रिकेट भी करेंगे। तो दोस्तों, ब्रेक क्लिपर से दोनों पिन को हमने बाहर निकाल लिया है और इसके साथ ब्रेक पैड का जो ये क्लिप होता है इनको हमने बाहर निकाल लिया और इसके बाद दोस्तों इसको डीजल से अच्छी तरह से इसके अंदर कुछ लकड़ी बकड़ी जैसा कुछ पतला सा डाल के, या तो जो हमारे कान में जो डालने वाली को रुई वाली आती है स्टिक, इससे भी इसको आप साफ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर इसके बूट जो है ये फट गए है तो ये मार्केट में आपको 20-30 रुपये में मिल जाएंगे, तो इसको साथ साथ में अगर जरूर पड़े तो बदली कर लेना है और इसको निकालने में कोई ज्यादा वो है नहीं। और इसमें जो यहाँ पे बड़ा भाग है, इसका जो बड़ा किनारा है
ये इसमें बैठेगा, वो हमेशा याद रखना है, और छोटा वाला छोटे में बैठेगा। तो इस प्रकार से इसको लगा लेना है। ऐसे तो आप जैसे लगा होंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा किस में बैठेगा, और आप देख सकते हैं हालत इसकी बिल्कुल बुरी है। पूरी ब्रेक असेंबली को हमने डीजल से क्लीन कर लिया है। क्लिपर, दो पिन, दो इसके बूट, दो बोल्ट और दो इसके क्लिप, इसके बाद दो पेड, और इसका जो बड़ा वाला क्लिपर है इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद हमें इसके जो दो पिन है, एक पिन को यहाँ पे लगा देना है और एक को ऊपर यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद लगाने के बाद इसके ऊपर ग्रीस लगा के इसके जो बूट है इसके ऊपर चढ़ा देने हैं, और दोनों असेंबली को आपस में जोड़ लेना। इसके बाद में दोस्तों इसके पेड़ जो है उसको लगा देने हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों ब्रेक पैड अंदर खांचे में बिठा लेना है और इसके बाद इसको यहाँ पे वापस लगा देना, जैसे हमने निकाला था इसी प्रकार से बैठ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके दोनों तरफ के बोल्ट जो है उसको लगा देना है और बाकी सब बोल्ट को वापस जैसे ही हमने खोला था ऐसे कस लेना है। तो दोस्तों ब्रेक के डिस्क का रस्टिंग भी हमने बिल्कुल अच्छी तरह से हटा दिया है और रस्टिंग हटाने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब हम अंदर से ब्रेक लगाते हैं तो बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है ब्रेक और रिलीज भी एकदम स्मूथली हो जाता है, क्योंकि डिस्क का जो पॉलिश है एकदम बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो इसके ऊपर आप रस्टिंग को हटाने के लिए आप कोई भी ऐसे पेपर का सहारा ले सकते हैं, अगर आप इंजन चालू करके करना चाहे तो उसे वो भी हो सकता है, बिना भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमने इसका सारे जो ब्रेक क्लिपर के जो बोल्ट थे 17 नंबर के 12 नंबर के इसको सारे बोल्ट को अच्छी तरह से कस लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप खुद भी अपने घर पर अपने हाथों से ब्रेक को सर्विस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।